फला उक्सिमु बिमवाक़िअ नुजूम, ये ला जब आता है पहले तो वो मुखातब की बात की नफी करने के लिए, नहीं, ने इट इज लाइक दैट, ये नफी है। ला उक्सिमु बियौमिल क़ियामा, तुम्हारे ख्यालात गलत हैं, मैं क़यामत की कसम खाता हूं। तो फरमाया फला उक्सिमु बिमवाक़िअ नुजूम, वक़ा यक़ा के क्या मानी है, और ये सूरत कौन सी, वाक़िआ, इज़ा वक़ातिल वाक़िआ, वक़ा गिर जाना, पड़ जाना, ये सितारों के डूबने की जगह है। फला उक़्सिमु बिमवाक़िअ नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमूना अज़ीम, और अगर तुम जानो तो ये बहुत बड़ी कसम है जो हमने खाई है। उस वक्त का इंसान क्या समझता कि सितारे कहां जाते हैं, कहां गुरूब होते हैं, कहां गिरते हैं, आज हमें मालूम है। सूरह हामीम सजदा में जो कहा गया है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकि वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबयन लहुम अन्नहुल हक, हम इन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे आफाक व अनफुस में, यहां तक कि यह बात वाज़े हो जाएगी कि कुरान हक है। आज हमें मालूम है खला में ब्लैक होल्स है, और ये ब्लैक होल्स बड़े बड़े सितारों के पिचकने से, पिचक जाने से पैदा हुए, और जब वो बड़े सितारे पिचकते हैं, जो खला पैदा होता है वैक्यूम, उसमें बड़ी ताकत होती है, उसके पास से कोई सैयारा, कोई सितारा गुजर जाए उसे खींच लेता है कब्र के अंदर, ये ब्लैक होल्स का तसव्वुर। इसीलिए अल्लाह ने उस वक्त के लोगों के लिए क्या कहा, फला उक्सिमु बिमवाक़िअ नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमूना अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, ये बहुत बाइज्जत कुरान है, फी किताबिम मकनून, एक छुपी हुई किताब में है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, इसे छू ही नहीं सकते मगर इंतहाई पाक हस्तियां। इसके क्या मानी है, पहली बात तो हमें मालूम हो गई मुराद फरिश्ते हैं, बेअदी सफरतिन किरामिन बरारा, उसी की शरह हो रही है ना। इसी से एक फिकी मसला निकाला गया कि बगैर वजू के हाथ ना लगाओ, लेकिन इसका असल मफहूम क्या है वो समझिए, कुरान की रूह तक कोई नहीं पहुंच सकता जब तक कि तज़किया नफ्स ना हो गया। अगर हुब्बे माल, हुब्बे दुनिया, हुब्बे जाह, हुब्बे शोहरत, अगर ये तमाम मोहब्बत में दिल से निकल ना जाए तो कुरान की रूह तक आपकी अप्रोच नहीं होगी। मौलाना रूम ने कहा है, अगरचे जरा मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, माज़े कुरान मगज़हा बर्दाश्ते उस्तखा पेशे सगा अंदाखते, हमने कुरान से उसका मग़्ज़ ले लिया है, जो एसेंस है वो खींच लिया है, हड्डी का गूदा जो है वो हमने निकाल लिया है, हड्डियां हमने फेंक दी हैं कुत्तों के सामने जो लड़ रहे हैं। इल्मे कलाम का मसला है, है सिफात हक, हक से जुदा या आयने जात, कुरान मखलूक है या नहीं है, गैर मखलूक, और बड़े बड़े हो रहे हैं उसके ऊपर, ये कुत्ते लड़ रहे हैं इन हड्डियों के ऊपर, हमने उसमें से असल शय निकाल ली, वो क्या है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मारिफत, ये है असल शय। माज़े कुरान मगज़हा बर्दाश्ते उस्तखा पेशे सगा अंदाखते, तो जब तक इंसान का बातिन पाक ना हो जाए वो कुरान के छिलकों से खेलता रहेगा, चाहे वो कहने को मुफस्सिर हो, कुरान के बातिन तक कभी नहीं पहुंचेगा। फी किताब मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया है रब्बुल आलमीन की तरफ से, इंजाल के मानी है दफ़तन उतार देना। लैलतुल कद्र में आया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, रमजान के बारे में शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, बाबे फ़ाल,
लेकिन हुजूर पर एकदम नहीं उतरा, थोड़ा 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 23 बरस में जाकर उसकी तकमील हुई। अब देखिए जो शिकवा किया अल्लाह ने, क्या इस जैसी नेमत से तुम मुदाहनत कर रहे हो, बेइत्तनाई कर रहे हो, इसे पढ़ते नहीं हो, इसे समझते नहीं हो, इस पर अमल नहीं करते, इसे अपना इमाम नहीं बनाते, तुम्हारा तर्ज अमल यह है, बल्कि तुमने अपना नसीब यह बना लिया है कि तुम इसे झुटला रहे हो। गौर कीजिए, झुटलाना जो है दो तरह का है, एक है जबान से कहना कि ये नहीं है, कोई अल्लाह का कलाम नहीं है, ये कुरान वगैरह झूठ सब असातिरुल अव्वलीन है, ये मोहम्मद ने घड़ लिया है वगैरह वगैरह, झुटलाना हो गया। एक झुटलाना है अमल से झुटलाना, मान तो लिया अल्लाह का कलाम है लेकिन उसकी हराम करदा शय को अपने लिए हलाल किया हुआ है। हदीस नबवी है, मा आमन बिल कुरान मन इस्तहल्ला महारिमहू, उस शख्स का कुरान पर कोई ईमान नहीं है जो उसकी हराम करदा चीज को अपने लिए हलाल ठहरा ले। इस एतबार से गौर कीजिए, और इसकी मिसाल भी दी हुई है सूरह जुबा में, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين। مثال उन लोगों की जो हामिल तौरात बनाए गए थे और फिर उन्होंने उसकी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया, उसे कायम नहीं किया, उसके अहकाम पर अमल नहीं किया। जैसे फरमाया है सूरह आराफ में, कुल या अहलल किताब, कह दीजिए ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ किताब वालों, लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमु तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारी कोई हैसियत हमारी निगाह में नहीं है, तुम्हारा मुंह नहीं है कि हमसे दुआ करो जब तक कि तुम तौरात और इंजील को और जो कुछ नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ उसे कायम नहीं करते। आज अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुनता, 30-30 लाख जाकर हज करते हैं, दुनिया के हालात में कोई जर्रा बराबर फर्क आता है? अव्वल तो हराम की कमाई से हज हो रहा है, तो हज है ही दूसरे से, जो कुछ करते गए थे सूदी कारोबार वही आकर दोबारा शुरू कर दिया, सरकारी मुलाजिमत तो जो रिश्वत पहले ले रहे थे उसके बाद आकर शुरू कर दिया। ये क्या है? ये तकजीब बिल अमल है, झुटलाना है। तुमने अपना नसीब यह बना लिया है कि तुम कुरान को झुटला रहे हो जैसे कि उन्होंने झुटलाया था। मसल الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا, उनकी मिसाल उन गधों की सी है जिन पर किताबों का बोझ लाद दिया गया। मकालमात फलातून, गठड़ी बांधकर गधे के ऊपर रख दीजिए तो क्या वो वाकई मंतकी और फलसफी बन जाएगा? यह मिसाल अल्लाह दे रहा है। और यह मिसाल क्यों दी गई है? इस आईने में हमें हमारी तस्वीर दिखाई गई है। तुम अगर कुरान का हक अदा नहीं कर रहे तो तुम्हारी मिसाल वही है जो यहूद की थी। बेसा मसलुल कौमिल लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, बुरी मिसाल है उस कौम की जिसने अल्लाह की आयात को झुटलाया। तो जबान से तो यहूदियों ने कभी नहीं झुटलाया तौरात को, अमल से झुटलाया है। ये वो 5 मकामात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने खुद अपने कलाम की सरा बयान की है, तारीफ की है, उसकी अजमत को बयान किया। अब मैं आपके सामने एक हदीस रखना चाहता हूं, हुजूर ने क्या फरमाया। एक हदीस सुना चुका हूं आपको, अन उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। यह हदीस बड़ी अजीब है, यह तिर्मिजी में भी है और दारमी में है, और इसके रावी हजरत अली हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु। علي رضي الله عنه قال, हजरत अली फरमाते हैं, اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए,
इन्हा सतकून फितनतुन, अनकरीब एक बहुत बड़ा फितना रूनमा होगा। हजरत अली फरमाते हैं कुल तो, मैंने अर्ज किया मल मखरजो मिन्हा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये फरमाइए उस फितने से बचने का, निकलने का रास्ता कौन सा होगा। जैसे आप बड़े बड़े हालों में देखते हैं एग्जिट, अरब ममालिक में लिखा होता है मखरज, अगर कहीं आग लग जाए, कहीं धुआं भर जाए तो निकलो, लाल जो रोशनियां हैं उनके अंदर जो नीचे दरवाजे हैं उनकी तरफ जाओ, ये मखरज है जान बचाने के लिए। यहां एक लहजा तवक्कुफ करके हमारा और सहाबा का जो फर्क है उसको नोट कर लीजिए। अगर हम होते तो क्या पूछते, हुजूर ये फितना कब आएगा, किधर से आएगा, क्यों आएगा, क्या होगा, ये सारे सवाल करते ना, जिनका अमल से कोई ताल्लुक नहीं, मालूमात है। हजरत अली ने कुछ नहीं पूछा, बस आपने फरमा दिया कि बहुत बड़ा फितना होगा, तो बस हमें ये बताइए कि उससे निकलने का रास्ता क्या है। अब सुनिए हुजूर की जबान से कुरान मजीद की मदह, काला किताबुल्लाह, फितनों से बचाने वाली अल्लाह की किताब है। फी है नबा मा कबलकुम, इसमें तुमसे पहले जो थे उनकी भी खबरें हैं, कौम नूह और कौम आद और कौम समूद और कौम मदियन और आले फिरौन और सदूम और आमूरा की बस्तियों के हालात हैं कि नहीं। वह खबर हो मा बादकुम, इसमें तुम्हारे बाद जो आने वाले हालात हैं वो भी दर्ज हैं। जरा खुदाई करके निकालना पड़ता है वरना हालात मौजूद हैं। एक ऊपर की चीज है, सामने की चीज है, एक जरा अंदर से खुदाई करके। लेकिन यह कि हुजूर फरमा रहे हैं वह खबर हो मा बादकुम, वह हुक्म मा बैनकुम, और जो भी इख्तिलाफात तुम्हारे दरमियान होंगे उनका फैसला भी इस किताब में मौजूद है। काश कि हम अपने मजहबी इख्तिलाफात को रफा करने के लिए कुरान की तरफ रुजू करें, जो हबलुल्लाह है, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। तो फरमाया किताबुल्लाह फीह नबा मा कबलकुम व खबर मा बादकुम व हुक्म मा बैनकुम, हुवल फसल लैसा बिल हज़्ल, वो फैसला कुल कलाम है, ऐसे ही यावा गोई नहीं है, ये कुरान की आयात है। इन्नहु लकौलुल फसल वमा हुवा बिल हज़्ल, सूरह तारिख के अंदर आया, तारिख में हुवल फसल लैसा बिल हज़्ल मन तरकहु मिन जब्बारिन कसमहुल्लाह, अगर कोई जब्बार शख्स अपनी सरकशी में इस कुरान को तर्क कर देगा अल्लाह उसे पीस कर रख देगा। वह मनिब तगुल हुदा फी गैर ही अमल्लाहुल्लाह, और जो कोई हिदायत हासिल करना चाहेगा कुरान के सिवा किसी और चीज से अल्लाह उसे लाजमन गुमराह करेगा। किताब हिदायत तो यह है।